बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का एक वीडियो आजकल बहुत वायरल है। हालांकि जब भी कोई वीडियो वायरल होता है तो ज्यादातर गलत वजहों की वजह से होता है, लेकिन इस बार तो कहानी कुछ जुदा है। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो में, तो देखिए इस रिपोर्ट को। ये तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और ट्रेन की जनरल बोगी में सफर कर रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ हैं। बिहार के शिक्षा विभाग से के पाठक की विदाई के बाद अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, वो भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था की दशा और दिशा सुधारने के लिए। लेकिन इसके लिए पहले वास्तविक हालात जानना जरूरी है, लिहाजा अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ बिना लाभ लश्कर के पहले जनरल बोगी में सवार हुए ताकि पटना से आरा पहुंचा जा सके, वो भी लोकल प्रशासन को बिना किसी तरह की सूचना दिए। इस दौरान अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने आम लोगों से भी बात की और ट्रेन की जनरल बोगी में उन्हें कुछ छात्र भी मिले जिनके साथ उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था, पटना में चल रही कोचिंग और पढ़ाई के स्टैंडर्ड पर चर्चा की। इसके बाद एस सिद्धार्थ आरा पहुंचे, लेकिन वो सीधे स्कूल नहीं गए। स्कूल के बाहर ही उन्हें कुछ बच्चे मिल गए जो लंच टाइम में बाहर घूम रहे थे, तो वहीं से स्कूल के हालात के बारे में चुपचाप जानकारी लेनी शुरू कर दी। लगेज की मिलता है? नहीं, बाहर गेट खुला है। हाँ, कोई भी चला जाता है? हाँ, लंच टाइम कोई भी जाए। और क्लास टाइम पे नहीं शुरू होता है? नहीं, क्लास लग जाता है। स्कूल में एस सिद्धार्थ के पहुंचने के साथ ही हड़कंप मच गया। इस दौरान स्कूल में कई अनियमितताएं पाई गई, लेकिन एस सिद्धार्थ के इस तरह के औचक निरीक्षण ने एक बात जरूर साबित की है कि अगर अधिकारी अपने काम को लेकर इतने संजीदा होंगे तो बिहार के स्कूल सिस्टम का भला जरूर हो सकता है।